या तो एज ए स्टूडेंट काम करते हैं या तो एज ए टीचर काम करते हैं। हम जब शिक्षक दिवस होता है तो हम लोग पढ़ते हैं कि कहते हैं कि सभी पूरा विश्व है वो भी टीचर है। सब हर एक आदमी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, किसी से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, किसी से कुछ बुरा सीखने को मिलता है। हम लोग जैसे शुरुआत में ही जब आयुर्वेद पढ़ने के लिए आए तो हमें अच्छे अच्छे टीचर मिले। पूरे इस यूजी और पीजी के दौर में हमें अलग अलग प्रकार के टीचर मिले। कुछ टीचर ऐसे थे उनमें से जो हमारे मन में अभी भी बस गए हैं। हर एक व्यक्ति के कोई ना कोई फेवरेट टीचर तो हमेशा ही रहे होंगे, तो हमेशा किसी ना किसी कारण से वो टीचर फेवरेट बन जाते हैं। तो या तो उनके टीचिंग का तरीका अच्छा होता है, या तो वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका अच्छा यूज कर पाते हैं, या तो वो आपसे इमोशनल कनेक्शन अच्छा कर सकते हैं, या वो सोशली इतने एक्टिव होते हैं कि वो सारी चीजों को एक साथ लिंक करके आपको पढ़ा देते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है उन टीचर्स में जिससे वो हमारे फेवरेट बन जाते हैं। हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आगे चले। हम लोगों ने पीजी क्वालिफाई किया सब लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ कि एक समय के बाद अब NTET इंट्रोड्यूस किया गया और बताया गया कि अगर आपको एज ए टीचर प्रोफेशन में एंटर करना है तो आपको कुछ बेसिक टीचिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बस वहीं से ये कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ कि NTET को आप जो भी सिलेबस है उसको आप पढ़िए। NTET के सिलेबस में मेन चीजें वही होती हैं जो हम लोग BEd वगैरह जो लोग पढ़ते हैं, और उनके भी टीचिंग के एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। तो इन सब चीजों को जब वो लोग पढ़ते हैं तो बहुत ब्रॉड तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत अधिक ब्रॉड तरीके से नहीं पढ़ेंगे, केवल केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या है इस एग्जाम में? सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से स्कोर करना है। 50% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो आपको स्कोर करने हैं। तो सभी चीजों को ध्यान से सुनना है। जरूरी नहीं कि हर चीज रट्टा मार के याद की जाए या हर चीज एकदम मेमोराइज की जाए। कहीं कहीं पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिनको आपको मेमोराइज करना पड़े, बाकी सब जो होंगे वो समझदारी पर आधारित होंगे। और अधिक से अधिक क्वेश्चन, जैसे हम उन लोगों के भी क्वेश्चन पेपर्स मैंने स्टडी किए जिन जिन लोगों ने TET दी है या जो लोग BEd पढ़ते हैं, तो उनके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी स्टडी किए, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप सेंसिबल हैं, आपको एक बेसिक सेंस है, तो आप वो सब कर सकते हैं। लेकिन वो सेंस जो है वो एक, मतलब हम कह सकते हैं कि 100 में से 8-10 क्वेश्चंस आपको करवा सकता है, बाकी सबके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो ठीक है, हम लोग बहुत अधिक टाइम खराब नहीं करते हैं और हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये पहला NTET का पहला यूनिट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग और ट्रेनिंग के बारे में। टीचिंग और ट्रेनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी उनके टीचिंग के बारे में जानना। टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टीचिंग के लेवल क्या है। जैसे मेमोरी बेस्ड टीचिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग होती है, एक रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है, ऐसे ऐसे करके हर एक उम्र में हर एक प्रकार की टीचिंग का महत्व तो है। जैसे मेमोरी बेस्ड टीचिंग जो होती है, सब हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं ABCDEFG, अब इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग करें, ये मेमोरी बेस्ड टीचिंग है, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल बनाती है हमारे। ऐसे करके धीरे धीरे करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग टीचिंग मेथड्स पे, न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, कोई अप्रोच है नई उसको जानेंगे, या नई अप्रोच हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वो बेसिक टीचिंग का यूटिलाइजेशन और टीचिंग के बेसिक स्किल्स उनके बारे में जानेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक टीचिंग एंड बेसिक स्किल्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद लर्नर्स के क्या क्या गुण होते हैं, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। जैसे जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि जब हम लोग 6वीं 7वीं क्लास में होते थे तो हम अलग तरीके से सोचते थे, बड़े हो जाते हैं इंटरमीडिएट में आ जाते हैं तो हम अलग तरीके से सोचते हैं, यूजी में आ जाते हैं तो हमको लगता है कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाना चाहिए। ऐसे करके धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा लर्निंग का तरीका भी बदलता रहता है।
ठीक है, उसमें एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव ये फैक्टर्स बदलते हैं, जो कि एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर में अलग अलग होते हैं। उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं वो हम समझेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन, इन सबको भी हम समझेंगे। इसके बाद मेथड्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग, बेड साइड टीचिंग, जो कि एक्सक्लूसिवली हम लोग के लिए है कि बेड साइड टीचिंग में, क्लिनिकल टीचिंग में कौन कौन से लोग होने चाहिए, वो क्या हेल्प करेंगे, मरीज से संबंधित, जब आप बेड के पास खड़े होंगे तो मरीज से संबंधित कैसी बातें आप नहीं कर सकते हैं, कैसी कर सकते हैं, मरीज को क्या जानकारी होनी चाहिए जब आप बेड साइड टीचिंग करें या क्लिनिकल टीचिंग करें। फिर एक वार्क थ्योरी है लर्निंग स्टाइल्स के लिए, एक वार्क थ्योरी है VARK के, उसमें विजुअल, ऑरल, ऑरल मतलब ऑडिटरी, हम लोग जब कान के बारे में सुनने की बात करते हैं तो ऑरल शब्द यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है, तो ऑडिटरी हो गया। फिर रीडिंग, राइटिंग और कैनेस्थेटिक, ये लर्निंग के स्टाइल्स हैं, वो धीरे धीरे करके हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। ये टर्म्स हैं, टर्म्स को जब हम डिकोड कर लेंगे तो हम कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो हमने इसको जब चैप्टर को पढ़ा रहे थे तो हमने इसमें, यहाँ पर ये वाली मूवी तो शायद सबने देखी होगी, तारे जमीन पर, इसमें भी एक टीचिंग और ट्रेनिंग का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया गया है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। सोशल और कल्चरल प्रोसीजर के माध्यम से हम लोग, इंडिविजुअल एक्वायर करता है डिजायर नॉलेज को, स्किल को, और इट इज अ प्रोसेस वेयर इन द लर्नर, टीचर एंड सनड्राई, सनड्राई का मतलब होता है विविध, विविध, ठीक है, एंड सनड्राई अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इट कैन बी कैरिड आउट बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से हम टीचिंग कर सकते हैं। फॉर्मल मतलब क्या होता है कि हम एक 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 बेसिक प्रोटोकॉल को फॉलो करें, इनफॉर्मल मतलब नॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मल टीचिंग टेक्स प्लेस विद इन द फैमिली और द कम्युनिटी, ये तो नॉर्मल तरीके से, व्हाइल फॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट बाय एक्सपीरियंस प्रोफेशनल सच एज टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स। तो ये चीजें हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के लिए एक डेफिनेट सेटअप होगा, डेफिनेट रूल्स होंगे, ठीक है, और इनफॉर्मल टीचिंग जो होती है वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आप फैमिली में, परिवार में सीखते हैं, अपने समाज में सीखते हैं, वो सब है। एक डेफिनेशन है हेनरी सी मॉरिसन की, वो कहते हैं कि टीचिंग क्या है, एक एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट है बिटवीन ए मोर एंड मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन, डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। मतलब जो लेस मैच्योर वन है उसकी एजुकेशन को और आगे ले जाने के लिए होता है। तो नेचर और करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, पहली बात, टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। टीचिंग सोशल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इट टेक्स प्लेस ऐसे एट ए सोशल सेटअप विद ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, सोशल सेटअप पे होती है इसलिए सोशल प्रोसेस है। टीचिंग फॉर्मल भी है इनफॉर्मल भी है, ठीक है। फॉर्मल सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है, सिस्टमेटिक होता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के द्वारा कैरी आउट किया जाता है, जैसे टीचर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वो इस चीज को एक प्री सेट डिजाइन फॉर्मेट में ले जाते हैं। इनफॉर्मल टीचिंग ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस विदाउट ए डेफिनेट, विदाउट ए डेफिनेट और प्री प्लान सिस्टम विद इन द फैमिली फॉर द कम्युनिटी, ठीक है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, हमने शुरुआत में ही बताया था। टीचिंग विज्ञान की तरह क्या करता है, सिस्टमैटिक टेक्निक्स को इन्वॉल्व करता है, प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व करता है, जो कि मेथोडिकली स्टडी की जा सकती है और इम्प्रोवाइज की जा सकती है, विच कैन बी मेथोडिकली स्टडीड एंड इम्प्रोवाइज। अ गुड टीचर इज ट्रेंड अकॉर्डिंग टू एजम्पशन ऑफ साइंस बाई फॉलोइंग ए डेफिनेट सीरीज ऑफ स्टेप्स, समझ गए, एक साइंस की तरह। मतलब टीचिंग साइंस है, क्यों है, क्योंकि ए गुड टीचर इज ट्रेंड अकॉर्डिंग टू एजम्पशन ऑफ साइंस बाई फॉलोइंग ए डेफिनेट सीरीज ऑफ स्टेप्स। हाउ एवर टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट एज ए गुड टीचर एड्स हर क्रिएटिविटी, हिज क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल डिस्क्रिशन टू द स्टैंडर्डाइज रिपर्टोयर ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स। कहने का मतलब क्या है, आपसे यही प्रश्न बनता है यहाँ पर, क्वेश्चन से यहाँ पे बनते हैं कि टीचिंग आर्ट है, टीचिंग साइंस है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
पहला, टीचिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। बाय चांस ऐसे भी पूछा जा सकता है, हेनरी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ सेट ऑफ थ्री हायरार्किकल मॉडल्स, मतलब तीन मॉडल हैं जो कि क्लासिफाइंग टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट फॉल अंडर फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरी है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, देखो मैंने एक बनाया, कॉपी किया नेट से। डोमेन्स ऑफ लर्निंग, मोड ऑफ लर्निंग, एग्जाम्पल्स ऑफ एबिलिटीज। एक है कॉग्निटिव डोमेन, एक है अफेक्टिव डोमेन और एक है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में थॉट्स, थिंकिंग, ठीक, जैसे मेमोराइजिंग, रीजनिंग एटसेट्रा, ये कॉग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जिसमें इमोशंस, फीलिंग, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन जिसमें हम एक्शंस या डूइंग या करने के माध्यम से सीखते हैं, और इसमें कौन कौन सी एबिलिटी जैसे टाइपिंग, प्लेइंग एटसेट्रा, ये एबिलिटीज आती हैं। तो कैसे, जैसे कॉग्निटिव डोमेन को सोचते हैं, अफेक्टिव डोमेन को इमोशन से जानते हैं, और साइकोमोटर डोमेन एक्शंस, ये मोड है कि कैसे हम सीखते हैं। फिर आते हैं एक एक डोमेन देखते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, द कॉग्निटिव डोमेन डोमेन ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फोकस ऑन डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिंग ए नॉलेज बेस। इसके दो वर्जन है, जो सबसे लेटेस्ट है वो 2001 का वर्जन है आज की डेट के लिए, और 2001 के वर्जन के हिसाब से दिस डोमेन कवर सिक्स लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। द हायरार्की स्पेंस फ्रॉम सिंपल मेमोराइजेशन फॉर बिल्डिंग द नॉलेज ऑफ लर्नर्स टू क्रिएटिंग समथिंग न्यू बेस्ड ऑन प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन। द सिक्स लेवल ऑफ, देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्टूडेंट्स प्रेफर दोज टीचर्स हु, स्टूडेंट्स किन टीचर्स को प्रेफर करते हैं, हु डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, मतलब लिया और एक तरफ से पढ़ के सुना दिया, वो गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर द एग्जामिनेशन, पढ़ाने से पहले अच्छा ये इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना ही आएगा। कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, अच्छा सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, हाँ हमको दोषों के बारे में नहीं समझ में आ रहा, अच्छा वात पित्त आवरण आवर्य नहीं समझ में आ रहा क्या होता है, अच्छा, पित्तावृत वात के क्या फीचर हैं, कैसे पहचानेंगे आवरण जन्य व्याधि कौन सी है, और किसी मार्ग में संघ की वजह से स्रोतोगत जन्य उसकी व्याधि कौन सी है, स्रोत दुष्टि जन्य व्याधि है, कैसे पता करेंगे। तो ये डिफिकल्टी सब्जेक्ट मैटर, और उन टीचर्स को 8 बजे, मतलब 8 बजे एकदम 8 बजे आना चाहिए, अगर 8:01 हुआ तो नहीं आने देंगे। तो कहने का मतलब ये, हमने ये बताया कि स्टूडेंट्स किन टीचर्स को प्रिफर करते हैं, आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर सही है। कैसा टीचर होना चाहिए, बाकी लोग कहाँ गए, कोई जवाब नहीं दे रहा भाई। ठीक है, ओके ओके, सही है सही है। उन्हीं टीचर्स को स्टूडेंट प्रेफर करेंगे जो कि सब्जेक्ट मैटर के दौरान उनको डिफिकल्टी हो वो ठीक कर सके, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज, क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या है, टू गिव इंफॉर्मेशन, सूचनाएं देना, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स, दिमाग को इंक्वायरिंग बनाना, टू डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की पर्सनालिटी बदल देना, और टू हेल्प स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, स्टूडेंट एग्जाम को पास कर जाए ऐसा बना देना। तो
क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या है? ठीक है, कोई और? सही जवाब है इंक्वायरिंग माइंड्स को डेवलप करना, यही मेन एम है क्लासरूम टीचिंग का। इंफॉर्मेशन तो कहीं भी मिल सकती है, मेन एम नहीं हो सकता। पर्सनालिटी या स्टूडेंट कहीं से भी बढ़वा सकता, क्लास में बैठ के थोड़ी कोई पर्सनालिटी बढ़ता है। एग्जामिनेशन पास करने के लिए क्लास आने की क्या जरूरत, ठीक है ना? क्लासरूम टीचिंग के लिए मेन यही है कि इंक्वायरिंग माइंड्स को डेवलप करना। ठीक है, तो हम लोग आज की इस क्लास को यहीं पे अल्पविराम देते हैं। क्लास एंड करने से पहले हम लोग कल्याण मंत्र पढ़ते हैं, सभी के कल्याण की कामना करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।